हाँ जी ये मेरे बेटे ने ले जनाब। तेरा रजब को रजबपुर ने इत्तेदा किया था, ओपनिंग की थी। कितने पैसे हो? रहीम जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आकाशी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। जनाब आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जनाब आज का व्लॉग मेरा होगा, मैं जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ जाएंगे, बीबियाँ पाक दामन जाएंगे, वहाँ का विजिट करेंगे, वहाँ पे दुआ वगैरह करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जनाब बीबियाँ पाक दामन जाने का मेरा इस तरह से इरादा बना कि जब मैंने इसकी यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखी मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइफ में पहले मैं कभी भी नहीं गई और ये मेरा आज फर्स्ट विजिट होगा। पहले कहते थे कि पुराना यानी कि किसी और तरीके से बना था, काफ़ी पुराना बना था, लेकिन अब माशाल्लाह से उस पर काफ़ी हुकूमत ने काम की है और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अब न्यू रेडी हुआ है। तो जनाब अब आफ्टर रेनोवेशन हम लोग फर्स्ट टाइम क्या हम लोग जा ही पहली दफ़ा रहे हैं। तो जनाब मैं जाऊंगी, मेरे दोनों बच्चे जाएंगे और मेरे हस्बैंड जाएंगे, जाके वहाँ का विजिट करेंगे और दुआ करेंगे। कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बेटी बीबी रुकैया है वो और उनके साथ पांच और पाक दामन बीबी हैं वहाँ पे दफन है। तो जनाब जाके वहाँ का व्यू आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं कि वहाँ पर जाके क्या माहौल है और क्या सुकून मिलता है जाके। तो जनाब व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। ले लो ये जनाब सामने बीबियाँ पाक दामन का दरबार है। ये बच्चे आए हैं दोनों साथ, नीरे आसमान तो देखो नीरे आसमान कितना प्यारा व्यू है। मैंने इस वजह से हमें पता है, मैं कोई 8-10 साल पहले आया था, मैं 8-10 पहले 10 साल पहले आया ना थे अम्मी के नाम। वो तो है इतने में खाने में कितना टाइम हो गया भला? ये हो गए 3 हो गया मैक्सिमम 3 माह हो गए। इसकी बड़ा अच्छा बस गया। हां जी माशाल्लाह। ये जनाब तेरा रजब को रजबपुर ने इत्तेदा किया था, ओपनिंग की थी। कितने पैसे हो गए? ये देखें जी ये बाजार है यहाँ का, अभी चलते हैं अंदर। हाँ जी ये मेरे बेटे ने ले लिए, ये चलो चले जूता तो ये भी उतार दें। उतार दें क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जूता चाहिए ये मार्केट में नहीं है। दोनों साइड पर ना ये छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हैं, सामने माशाल्लाह से बीबियाँ पाक दामन। चलो 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 नीचे गैट थी, मैं जूता पहनना तो उसको उस पापा ने उठा लिया। सुना है कि बहुत प्यारा बना, तो आज ना आप अंदर से देखते हैं कैसा बना है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा एंट्री देखें। ये
माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना है। यहाँ पर गुंबद देखने
वहाँ पकड़ लो पकड़ लो। दीदी देखो लीडर लीडर लगाएगी ना। अच्छा देखो ना सही नहीं, आज तो मैं साथ ही लेके आऊंगी। फिर खड़े हो जो उस्मान। अच्छा बच्चा है ना। दीदी इधर आ जाओ, इधर आओ। नहीं ये जनाब ये काफी पुराना दरख्त लग रहा है। ये इसकी जनाब गुंबद ऊपर से लेकर नीचे इतना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। पता नहीं ये बंद क्यों है। ये देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है, कितना प्यारा बना है माशाल्लाह। वहाँ पे लोग सोए हैं। यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको, चलो। ये जनाब जूतियों वाला, यहाँ पे जूतियाँ वगैरह रख रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता चलो चलो चला नहीं जा रहा है। क्या कहते हैं बार बार नीचे गिर जाता है, ऐसा चूड़ा बच्चा है। पकड़ लो पकड़ लो, पीछे अपन में डाल लो, इसके अंदर डाल लो मेरा बेटा। ये यार एक तो दूसरी साइड भी है ना। पहना पहना जूता पापा पहना रहे हैं ना, मेरा भी जूता दे दो। ये जनाब जूते सारे यहाँ पे नीचे रखे हैं। अच्छा दो मिनट बैठा नहीं है तो कपड़े गंदे कर रहा है। दुआ की थी, या लगा दो इसको। जनाब ये बेटियां वगैरह यहाँ पड़ी हैं। चल जबरदस्त व्यू है माशाल्लाह।
पाक दामन से वापस होकर आ रहे हैं, तो इन्होंने रस्ते में डराया कि जनाब ये लगता है बाइक का पेट्रोल जो है वो खत्म होने वाला है। किसी ने निकाल लिया निकाले वैसे निकाला। अच्छा नहीं इधर आओ रुके तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का हम विजिट करके आए हैं, वहाँ से दुआ मांग के आए हैं और बीबी के कपड़ों पर हम लोगों ने फूल वगैरह भी चढ़ाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा वहाँ का माहौल था, एक अजीब सी खामोशी अजीब सा वहाँ का सोग वाला माहौल था, तो जनाब जाकर बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर जल्दी अपने बंदे कहूँगी हमें वहाँ पर लेके जाएँ ताकि हम लोग वहाँ से दुआ वगैरह करके आए और बीबियों को सलाम करके आएँ। तो ये वो बीबियाँ थी जो हिजरत करके आई थी, करबला से हिजरत करके आई थी हिंदुस्तान में, और यहाँ पर लोगों के तंग करने की वजह से उन्होंने ज़मीन में ही दफन हो गई, अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन खुली और ज़मीन में ही वो दफन हो गई। तो वहाँ से जनाब उनकी चादरें बाहर निकली हुई थी तो वो उनकी निशानदेही थी कि बीबी की कब्रें। तो बाद में जनाब अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर लोगों ने उन कब्रों के, एक शहजादा था उन्होंने उस कब्र की हिफाजत करनी शुरू कर दी, तो बाद में वहाँ पे गुम्बद वगैरह बन गए और लोग आना जाना शुरू हो गए। जनाब इस तरह की कुछ हिस्ट्री है, ज़्यादा डिटेल में मुझे खुद नहीं पता। लोग करते हैं यहाँ पर ख़त्म, कल मिलेंगे आपको एक नए भी लोग के साथ एक नए रूटीन के साथ। तो मैं काशी को अपने दुआ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।